जय श्री राम फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का मानना होता है कि भक्ति करने के लिए एज होना बहुत ही मायने रखता है, तो उसी बात को लेकर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि भक्ति करने के लिए कोई भी एज मायने रखती है। किसी भी एज में होकर, किसी भी एज में आप हैं और आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है भगवान के प्रति, तो आप समर्पित हो सकते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भक्ति करने के लिए किसी भी एज को बीच में लाने की ज़रूरत है। तो बहुत लोगों को कहना होता है कि आपकी एज ऐसी है, इतनी कम है और आप इस एज में आकर भक्ति कर रहे हो। अरे, भक्ति करने की भी एक उम्र होती है, लोगों को कहना इस तरीके का होता है फ्रेंड्स। बट मैं आप सभी लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो मैं इस वीडियो में दूर कर रही हूँ कि जब आपके शरीर में जान नहीं रहेगी, आप उठ नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो भगवान की भक्ति आप कहाँ से कर पाओगे, मुझे ज़रा इसका जवाब दो। जिन लोगों के मन में ये चल रहा, जब हमारे शरीर में जान है, हम चल लेते हैं, फिर लेते हैं, उठकर कोई भी काम भगवान के प्रति दौड़कर कर सकते हैं, तभी तो हम भक्ति भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और भगवान कभी भी ये नहीं कहते तो कि आप अपना घर परिवार, घर का काम जो भी आपका है सब छोड़ के आप मेरे पे पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ, ये तो भगवान कभी भी नहीं कहते। बस इतना है कि आप पूरे दिन में 24 घंटे में भगवान के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपके पास टाइम है भगवान के लिए दीजिए। भगवान इतना ही आप लोगों से, और वो भी नहीं चाहते, वो आपकी इच्छा है। अगर नहीं करना चाहता कोई तो भगवान उससे ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करवाते कि आप ज़बरदस्ती मेरे मंदिर में आइए, बैठिए, माथा टेकिए और मैं आपका वेट कर रहा हूँ इस तरीके से। ये तो हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति होती है जो भगवान के प्रति हम समर्पित होते हैं और हम करते हैं फ्रेंड्स। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या हमारे कुछ भी चढ़ाने से, हमारे धूप दिखाने से, हमारी ज्योति जलाने से और हमारे कुछ भी करने से उन्हें कोई भी फर्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हमारी श्रद्धा होती है, हमारी भक्ति होती है जो हम भगवान के लिए करते हैं, हमारे मन में शांति बहुत बड़ी पूजा करने के बाद जो हम फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है पूरे घर में और जो हमारे अंदर आती है, वो जो लोग भक्ति करते हैं वही जान सकते हैं, अन्यथा कोई भी ये चीज़ें नहीं जान सकता है। भगवान के प्रति हमारा प्यार होता है, हमारी इच्छा होती है, हमारी खुशी होती है कि हम घर में कुछ भी बनाते हैं, हमारे घर में कुछ भी स्पेशल होता है तो हम भगवान को पहले उसमें याद करते हैं कि नहीं, पहले भगवान फिर कोई भी। ऐसा नहीं कि भगवान बैठे हैं आपके आश्रित में कि अभी वो आएगा बंदा मुझे खिलाएगा तो खाऊंगा, या धूप दीप दिखाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। ये हमारी श्रद्धा और भक्ति होती है। तो आप लोग क्यों इस चीज़ को लेके हमेशा बीच में आते हैं कि भक्ति करने के लिए भी एक उम्र होती है, ऐसा तो नहीं है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हो आप लोग कि मैं राम भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं गलियों में आप पूरी पब्लिक लेके नारा लगाते निकलोगे जय जय श्री राम का, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो इन चीज़ों में क्यों, उसमें तो बच्चे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं छोटे छोटे, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल का, उसमें कोई भी एज नहीं देखते हो आप लोग। जो पब्लिक को दिखाना होता कि हम तो नारा लगा रहे हैं श्री राम जी का और देखिए हम तो क्या बोलते हैं उसको कि हम तो बजरंग दल से हैं, बजरंग दल में मेरा नाम है, उसमें आपको बहुत गर्व होता है। और घर में पूजा करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, किसी चीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों के कि उसमें एज होना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए ऐसा क्यों, वहाँ एज मायने नहीं रखती और घर में पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एज मायने रखती है। आप सभी लोग अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि भक्ति करने के लिए कोई भी एज मायने रखती है और उसको ज़रूरी है कि मतलब 40 या 50 साल का बंदा हो जाए, 60 साल का बंदा हो जाए तभी भक्ति करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ना एक दिन सबके लाइफ में ऐसा दिन आता है फ्रेंड्स कि जब सभी लोग हाथ जोड़ के केवल भगवान के सामने माथा टेक कर बैठ जाते हो कि भगवान अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान अब तो आपके ही हाथ में सब कुछ है, प्लीज़ अब आप संभालो और प्लीज़ बचाओ इनको, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारा पैसा काम आता, ना हमारा परिवार काम आता है, ना हमारे दोस्त बंधु, मतलब कोई भी काम नहीं आता, बस हाथ जोड़ के केवल केवल भगवान को ही याद करते हैं हम कि भगवान आप ही मदद करो, अब आगे कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसलिए समय रहते पहचानो, भगवान की भक्ति करो और भगवान में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और जो आपके पास 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपके पास टाइम है भगवान को ज़रूर से ज़रूर दो।
मेरे कहने का एक ही मतलब है कि समय रहते भगवान को याद करो तो बहुत अच्छी बात है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हो और तब भगवान को याद करते हो तो भी भगवान आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मदद नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन समय रहते सुधर जाओ और ये येज और बहुत सारी चीज़ों का तुलना करना छोड़ दो। आप लोग अपने मन से ये वहम निकाल दो, जो वहम पाल रखा है ना वो निकाल दो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं भक्ति करती हूँ, मेरा भक्ति के तरफ ज़्यादा झुकाव है और मेरा चैनल उस तरीके का है, तो मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मैं अपने परिवार को टाइम नहीं देती हूँ या घर परिवार सब त्याग करके मैं भक्ति करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना भगवान कभी भी ये चीज़ें बोलते हैं कि आप घर परिवार को त्याग दो उसके बाद मेरी भक्ति करो, ऐसा नहीं है। आप अपने घर परिवार में रहकर, घर परिवार को देख कर, संभाल कर और उसके बाद भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, तो मैं वही कर रही हूँ। तो मुझे एक दो कमेंट ऐसा मिला था बहुत टाइम पहले, तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी कि मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करूँगी, तो आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने इस पे वीडियो आप सभी लोगों के लिए जिनका कन्फ्यूज़न है उन लोगों के लिए शूट किया है कि ये जो भी वहम है आपका निकाल दो। और एक दिन ऐसा आएगा आपके भी लाइफ में कि आप भगवान को याद करोगे और तब आपको पछतावा होगा कि काश मैं पहले भगवान पे विश्वास और श्रद्धा रखता और ये दिन मेरे लाइफ में ना आता जो मैं आज झेल रहा हूँ। और झेलना तो सबको है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति करूँ या आप भक्ति करो तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें भुगतना ही भुगतना है। ऐसा नहीं कि नहीं भुगतना है, लेकिन फिर भी हमारा कोई कष्ट है, हमारा कोई ग्रह दशा है जो खराब चल रहा है, तो पूजा पाठ से हमारा वो दूर हो जाता है फ्रेंड्स। और जिस तरीके से हम अपने माँ बाप से जिद करते हैं कि मेरी ये जिद है पूरी करो, मुझे ये चाहिए, उसी तरीके से हम भगवान से भी जिद कर सकते हैं कि भगवान आज नहीं तो कल आपको देना ही पड़ेगा, मैं आपके चरणों में माथा टेकता हूँ, हाथ जोड़ा, प्लीज़ मुझे ये दो भगवान, तो एक ना एक दिन भगवान आपको जरूर से जरूर देंगे अगर आपके मन में विश्वास और श्रद्धा भक्ति है तो। तो प्लीज़ जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जय माता दी, जय जय श्री राम।